तो हम जो है पाल समाज की तरफ जो है घूम रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, जो है पाल समाज से बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं पाल समाज किधर जा रहा है सर? सर अभी तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूवमेंट है जो पाल समाज का, और लगभग जैसे 2007 में पाल समाज जो है एकत्रित हो गए पूरे उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा पे पाल समाज जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट किया था। इस बार कुंडा और बाबागंज में, खास करके बाबागंज में समझ ले संपूर्ण वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को जाए, जिसके प्रत्याशी हैं सुशील गौतम जी, और हम सबसे भी रूबरू परिचित भी नहीं हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है जो देख रहे हैं आने वाले समय में इतनी बढ़िया हवा बनी है, खबर लगी है कि जमीनी स्तर से कार्यकर्ता थे बहुजन समाज पार्टी के पिछले दिन, और बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। एक दिन रास्ते में रैली वैली लेके जा रहे थे तो मुलाकात हुई थी, बाय बाय हुआ था, लेकिन इस समय जो है हम चाहते हैं कि हमारे गाँव भी एक बार प्रत्याशी जी आ जाए तो हम सब धन्य हो जाए, क्योंकि 100% जीत की खुशबू आने लगी। आज 25 तारीख है और 27 तारीख को जो है चुनाव भी होना है, अभी जो है परमिशन भी नहीं है, तो कैसे आएंगे फिर? नहीं आएंगे, फिर भी देखा जाएगा, मिलने का प्रयास किया जाएगा, प्रत्याशी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से बुलाया जाएगा। आपके गाँव में वो नहीं पहुँच पाए हैं, जनता का क्या रुझान है? नहीं, जनता तो हमारी तरफ एक तरफा है, बहन जी को देख के वोट कर रही है ना, माननीय काशीराम का जो मिशन चल रहा है उस मूवमेंट में चल रही है। अगले चुनाव में तो जो है पाल समाज जो है भाजपा की तरफ जा रहा था पूरा पूरा, लेकिन वो तो लालीपाप दे लिए थे ना, पाल समाज के पास कोई पार्टी तो है नहीं अभी, जिन्होंने लालीपाप दिया उसकी तरफ रुझान कर लिया, लेकिन अब की बार जो है बेगर लालीपाप के बहन जी ने सम्मान भी दिया है, वो सम्मान दिया है अन्य किसी पार्टी नहीं दे पाया। बहुजन समाज पार्टी जो है पाल समाज को 7 टिकट दी है, और समाजवादी 4 टिकट दी है, भाजपा 3 टिकट दी है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी लगभग 9 टिकट के ऊपर दी है, 9 टिकट के ऊपर, एक दर्जन दी है जो कि 2 धनगर समाज से आते हैं, बघेल समाज, तो वो भी पाली समाज के हैं, तो 12 टिकट दी है बहन मायावती जी ने। तो इसके लिए जो है हमें लोग पाल समाज का एक गर्व महसूस करते हैं कि कोई तो एक पार्टी है जो कि पाल समाज के लिए सोचती है, तो हम पूरा उत्तर प्रदेश सभी विधानसभाओं पे जो 30,000, 40,000, 25,000 जितने वोटर हैं सब एक सामाजिक संगठन के माध्यम से ये सूचना दी गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनाई जाए। पाल समाज को लेकर कहें तो पूजा पाल तो जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो उस अब पाल समाज की कहाँ रह गई, वो तो वर्मा समाज की हो गई है भाई। महिलाओं से जात थोड़ी आँकी जाती है, जात तो पुरुष से आँकी जाती है, तो अगर वर्मा से उन्होंने वो कर लिया है तो वो जाहिर सी बात है वो तो वर्मा समाज चली गई। पाल समाज उनको लाइक नहीं करता जब से कोर्ट मैरिज वगैरह हुआ है, तो उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। अब क्या कहेंगे जो है चुनाव होने के बाद कौन जीतेगा बाबागंज में? बाबागंज में सुशील गौतम जी जीत रहे हैं चुनाव, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, और बहुजन समाज पार्टी इतनी भारी मतों से जीत रही है अब की बार कि अब 10,000 को जब नतीजा खुलेगा तब पता चलेगा। राजा भैया का दबदबा रहता है, फिर भी आप जो है बहुजन समाज पार्टी को कह रहे हैं? अरे दबदबा एक अलग की चीज़ है, विकास के नाम पे वोट दिया जाता है ना, दबदबा तो किसी को कह सकता है कि हमारा दबदबा है, लेकिन अब की बार परिवर्तन होना है, 100% तय है, 2022 में बदलाव होना है, बाबागंज अब जीत रहे हैं। यहाँ से विनोद सरोजी विधायक हैं जनसत्ता दल से, क्या कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो उनका जो किए हैं वो जमीनी स्तर पे अगर आप गए होंगे रास्ते, जिस रास्ते से आ रहे होंगे तो दिखाई देता होगा कि कितना अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ। अब एक गांव के लिंक मार्ग पे निकल जाइए तो एक फुट के गड्ढे हैं। क्या नाम है आप? सतीश कुमार जी। अभी हम जो है पाल समाज से बात कर रहे थे, तो इनका भी जो रुझान आ रहा है पाल समाज जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, ये कह रहे हैं कि सुशील गौतम जी जो है बहुत भारी मतों से वोट से विजयी करेंगे।